देखिए मैं उनके स्टेटमेंट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट जब जब कांग्रेस या महागठबंधन के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है, इसका मतलब उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, मतलब उनको अब एहसास हो गया, क्योंकि ये सवाल वो पंजाब में नहीं उठाते, ये सवाल वो लोग हरियाणा झारखंड या जहां पर भी चुनाव हुए थे हाल फिलहाल के दिनों में, इनकी सरकारें बनी एक बार भी इन्होंने वहां पर ये सवाल नहीं उठाया, इसके ऊपर कोई की विधानसभा में कभी कोई इन्होंने चर्चा नहीं करवाई, बट हाँ आज जब वो सवाल उठा रहे हैं तो ये एक शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसीलिए अब उसके बहाने ढूंढने के लिए ईवीएम पर ये अपना ठीकरा फोड़ रहा है। देखिए मैं भाजपा के किसी भी नेता से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं मानता हूं कि भले आवाज़ उनकी हो पर यह विचार पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचार हैं, उन्हीं के शब्द हैं जिनको आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। 10 तारीख को अपने आप ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि कौन असली हनुमान है, कौन क्या है क्या नहीं। अंतोगत्वा यही हनुमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार में 10 नवंबर को बनवा कर देगी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।